Hi friends, welcome to the desk Deva English Spoken class. Friends, today we will discuss about the matter ki aap English sikhna itna kathin kyun samajhte hain. Kafi log bolte hain mujhse ki sir mujhe bhi English sikhna hai. To main bolta hu ki agar aap mere class mein attend nahi kar sakte hain, class mein nahi aa sakte hain, aap agar mera class attend nahi kar sakte hain to YouTube par aap dekho. YouTube par bhi main video dalta hu. ठीक जैसे क्लास में पढ़ाता हूँ वैसे ठीक वैसे ही मैं आपको यूट्यूब पर भी पढ़ाऊँगा और पढ़ाता हूँ. आप वहाँ से भी इंग्लिश सीख सकते हो. अगर आप क्लास में नहीं आ सकते तो अगर आपके लिए मुनासिब नहीं है हमारे क्लास में आना, क्लास ज्वाइन करना, या आर्थिक प्रॉब्लम है या टाइम का प्रॉब्लम है, तो आप घर बैठे या कहीं पर भी आप मोबाइल ऑन करो, यूट्यूब खोलो और आप देखो, रोज का 10 मिनट वीडियो देखो बस. फिर बोलते हैं क्या हो? क्या YouTube से सीखेंगे? YouTube से क्या सीखेंगे सर? मुझे ताज्जुब लगता है कि काफ़ी कुछ लोग आजकल YouTube से ही सीख रहे हैं और ये लोग बोलते हैं कि YouTube से क्या सीखना है. मैंने भी सीखा है काफ़ी कुछ YouTube से, जैसे एडिटिंग करना, वीडियो एडिटिंग करना. मैं फनी वीडियोस बनाता हूँ, शॉर्ट मूवी बनाता हूँ, तो मुझे कुछ भी है एडिटिंग का मुझे ABC भी पता नहीं था. मैंने यूट्यूब पर वीडियो देख देख कर फिर ये एडिटिंग सीखा, फिर मैं अच्छी तरह से आज एडिटिंग करता हूँ. यूट्यूब से लोग देख देख कर पता नहीं क्या क्या फिजिकली मीन्स फिजिकली चीज़ें भी सीखते हैं. फिजिकली करना जिसमें चोट लगने का डर होता है, हमें हड्डियाँ टूटने की डर होती है, वो सब चीज़ें यूट्यूब से देख कर लोग सीखते हैं. और आपको इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश सीखने में कहाँ हड्डियाँ टूटने की डर है, कहाँ चोट लगने का डर है? और आप बोलते हैं क्या यूट्यूब से सीखेंगे. बहुत सारे लड़के हैं, लड़कियाँ हैं जो बोलते हैं कंटाला आता है यूट्यूब पे देखने से. कंटाला आता है, कंटाला आता है मीन्स ये शब्द जो वो बोल रहे हैं कि कंटाला आता है, मीन्स वो इंग्लिश सीखना ही नहीं चाहते, वो इंग्लिश सीखना ही नहीं चाहते हैं. बस ऊपर से दबाव होता है. काफ़ी सारे लड़के हमारे क्लास में भी आते हैं और दो दो साल तीन तीन साल से आ रहे हैं, वो क्यों नहीं सीख रहे हैं? एक महीने आते हैं, दो महीने आते हैं, फिर छोड़ देते हैं. फिर 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद फिर से आएंगे, फिर छोड़ देंगे. फिर 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद फिर से आएंगे, फिर छोड़ देंगे. इस तरह से आते हैं. मीन्स उनको जब ज़रूरत महसूस होता है कि अरे यार इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है, तब वो आते हैं. जब तक उन पर भूत सवार रहता है ज़रूरत का कि हाँ सीखना पड़ेगा, कैसे भी करके सीखना पड़ेगा, तो वो आते हैं. लेकिन फिर वही बात, जैसे भूत उतरती है फिर छोड़ देते हैं. फिर से ज़रूरत पड़ती है कहीं पर, अरे यार इंग्लिश सीखना चाहिए, फिर से आते हैं. अगर आपको इंग्लिश सीखना है, कोई भी चीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी चीज़ सीखनी है, चाहे कोई भी चीज़ आप सीख रहे हो, किसी भी चीज़ को आप सीख रहे हो करने की, आप कहीं से भी सीख सकते हो. मैंने डांस सीखा है, डांस कहीं से भी नहीं सीखा, मैंने खुद प्रैक्टिस कर करके सीखा है. किसी क्लास को अटेंड नहीं किया आज तक, लेकिन आज तक मैंने काफ़ी लोगों को डांस करना सिखाया है. कैसे? फ्रेंड्स, अगर आप में इंटरेस्ट है, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, सच में आप अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश सीखना है, तो आप या तो कोई क्लास अटेंड करोगे और रेगुलर जाओगे क्लास, या तो आप यूट्यूब का कोई भी वीडियो रेगुलर देखोगे. आप इंग्लिश कैसे भी करके सीखोगे अगर आप में इंटरेस्ट है तो. अगर आप में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं आपको रोज लाख आपसे हाथ जोड़ता रहूँ कि भाई मेरे यूट्यूब का वीडियो देखो देखो. हाँ हाँ देख लूँगा देख लूँगा देखूँगा. हाँ हाँ देखता हूँ देखता हूँ. बोलते तो हैं बट देखते नहीं हैं, क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं है. फिर अगर आप बोलोगे कि यार हमको इंग्लिश क्यों नहीं आती, तो ये गलत होगा. कैसे आएगी? आपको इंटरेस्ट ही नहीं, आप क्या कर रहे हो उसको लिए, उसके लिए क्या कर रहे हो आप? आप कोई भी क्लास ज्वाइन करते हो, आते हो क्लास ज्वाइन करने. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं क्लास ज्वाइन करने, बोलते हैं सर कितने महीने में सिखा देंगे आप? मतलब उनका प्लानिंग रहता है कि 2 महीने में इंग्लिश सीख जाएंगे, 3रे महीने में हम विदेश फॉरेन जाने का वीज़ा निकाल लेंगे और फिर फॉरेन जाके कमाएंगे, नोट छापेंगे, या हम 2 महीने में या 3 महीने में इंग्लिश सीख जाएंगे और किसी कंपनी में अप्लाई करेंगे और अच्छा सा पोस्ट मिल जाएगा, फिर हम जॉब करेंगे अच्छा सा, ऐसा सोच के आते हैं. फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा है कि आप 15 साल आपने अपने ज़िंदगी के 15 साल अपने स्टडी में दिया है, आप इंग्लिश भी तो पढ़ते रहे हैं, आप इंग्लिश के ट्यूशन भी करते रहे हैं, इंग्लिश स्कूलों में भी पढ़ाया जाता रहा है, आप इंग्लिश के ट्यूशन भी करते आ रहे हैं, फिर भी आप इंग्लिश 15 सालों में इंग्लिश नहीं सीखा?
15 साल 20 20 साल आप स्कूल कर रहे हो, कॉलेज कर दिया आपने, आपने इंग्लिश नहीं सीखा और आप यहाँ इंग्लिश क्लासेज में आने के बाद 1 महीने और 2 महीने 3 महीने में आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, ये कैसे हो सकता है? जो चीज़ आप 15 20 सालों में नहीं सीख सके हो वो आप 2 3 महीने में कैसे सीख जाओगे? इतनी इंटेलिजेंसी है आप में, इतना इंटेलिजेंट हो आप जो आप 15 सालों में नहीं सीख सके हो और आप 3 महीने में या 2 महीने में सीख जाओ? है हाँ, कुछ लोग हैं जो 4 महीने में 3 महीने में 4 महीने में 5 महीने में इंग्लिश मेरे पास सीख कर गए हैं और अच्छी तरह से बोल रहे हैं, आज बोलना जानते हैं, लेकिन सबके बस की बात नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड्स? तो आपको किसी भी इंग्लिश क्लास को ज्वाइन करते समय ये नहीं सोचना है कि ये नहीं पूछना है कि सर आप कितने महीने में सिखा देंगे, गारंटी लेते हैं क्या, सीख जाएंगे क्या? मैं बोलता हूँ नहीं भाई, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर ना मैं गारंटी लेता हूँ ना तो मैं बताऊँगा समय पक्का बताऊँगा कि आप इतने महीने में सीख ही जाओगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना परसेंट अपनी तरफ से दे रहे हो आप इंग्लिश सीखने में। मैं मेरे पास आओगे तो मैं अपना पूरा 100% आपको दूंगा इंग्लिश सिखाने में, लेकिन आप इंग्लिश सीखने में आप अपनी कितना परसेंट दे रहे हो? 10% भी नहीं देते लोग। कुछ लड़के हैं जो मेरे क्लास में आते हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो मेरे क्लास में भी आते हैं और मेरे वीडियो भी देखते हैं और वो सीख भी रहे हैं और बोलना भी जानते हैं अभी और बोलते भी हैं, काफ़ी कुछ कोशिश भी करते हैं बोलने की। तो जिनको इंटरेस्ट है वो कहीं से भी सीखने की कोशिश करेगा, बहाने नहीं बनाएगा। इंग्लिश का भूत सवार हुआ, कहीं पे जरूरत पड़ी, आपस में फ्रेंड्स में बात हुआ कि अरे यार इंग्लिश सीखना पड़ेगा, हाँ यार सीखना, चलो कल क्लास पे चलते हैं, ज्वाइन करते हैं किसी क्लास को। फिर आए इंग्लिश क्लास पे, आए पूछताछ किए, सर कितने महीने में सिखा देंगे, गारंटी लेते हैं क्या, ये वो हेन तेन। फिर 2 4 दिन आए, 1 महीने आए, 15 दिन आए, 1 महीने आए, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनके सर से भूत उतरने लगा। मतलब उनको लगता है ऐसा कि सर हम क्लास ज्वाइन करेंगे तो आकर टीचर के पास कोई जादू की पुड़िया होगी जिसको घोल के पिला देंगे, 1 2 महीने में इंग्लिश बोलना आ जाएगा, हम अंग्रेज बन जाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्त, आपको अगर इंग्लिश सीखना है, इंटरेस्ट है आपको सीखने में, इंटरेस्टेड है आप सीखने में, तो आप कहीं से भी सीख सकते हो। आप इंग्लिश का अगर क्लास ज्वाइन करते हो तो रेगुलर क्लास करो, अटेंड करो, जो भी टीचर आपको कहते हैं वो करो, अमल करो। अगर आप इंग्लिश क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते हो तो यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, आप उनको देखो, रोज 5 मिनट 10 मिनट आप वीडियोस देखो, फिर उसमें जो बताया जा रहा है उस पर अमल करो, आप इंग्लिश सीख जाओगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि क्लास अटेंड करके ही सीखा जाए, काफ़ी लोग, काफ़ी इवन मी, मैंने भी यूट्यूब से काफ़ी कुछ सीखा हुआ है, किसी टीचर के पास जाकर नहीं सीखा मैंने, ठीक है ना फ्रेंड? तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे और जो भी मेरा अभी वीडियो देख रहे हैं उनको अभी समझ में आ गया होगा। आप ऐसे ही वीडियो देखकर 2 1 मिनट भी नहीं देखा, लाइक करके बाहर निकल गए और मुझे इन्फॉर्मेशन दे दिए, कमेंट दे दिए कि वाह वाह वेरी नाइस सर, मीन्स सिर्फ खुश करने के लिए, ऐसा नहीं। आपको सीखना है तो आप पूरा वीडियो देखो, अच्छे से देखो, मन से देखो, आप सीखोगे, ज़रूर सीखोगे, ठीक है फ्रेंड? ओके, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।